और हम यहाँ डी को भी हटा देते हैं तो क्या क्या बचेगा आपके पास आपके पास बच गया है ए और सी सेकेंड देख लेते हैं हम सेकेंड कह रहा है वाई माइनस एक्स ओके इस बार क्या कह रहा है आपसे y में से x को हटा दो यानी x के जो भी चीजें इसमें आपको दिख रही है उनको हटा दो आप तो हमें वहां यहाँ b दिख रहा है ना तो हम यहां से b को हटा देते हैं ना यहाँ d दिख रहा है ना यहां से हम d को भी हटा देते हैं ठीक है थी। हट गया से अब क्या बचा यहाँ पे y के पास क्या बचा y के पास बच गया f और g अब थर्ड आपसे पूछ रहा है ये x इंटरसेक्शन y ओके okay. x और y में क्या इंटरसेक्शन है क्या कॉमन है तो b है जो कॉमन है इधर और इधर भी एक d है इधर और एक इधर भी बस यानी कि क्या निकल गया b, डी जो है वो इंटरसेक्शन है ये कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर टेन आगे देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर इलेवन की ओर इफ आर इज अ सेट ऑफ रियल नंबर एंड क्यू इज अ सेट ऑफ रैशनल नंबर देन व्हाट इज द माइनस क्यू अब एक चीज आप यहां समझना ध्यान देना आपने क्लास टेंथ में पढ़ा होगा रियल नंबर अब रियल नंबर होता क्या है रियल नंबर एक्चुअल में रैशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर यही तो होता है अब ये कह रहा है अगर मैं रियल नंबर में से रैशनल नंबर को माइनस कर दूं तो क्या बचेगा इेशनल तो बचेगा कॉमन सेंस है बिल्कुल कि रियल नंबर एक है ये दो चीजें हैं इनमें से मैंने इसको माइनस कर दिया तो क्या बचेगा इेशनली तो बचेगा आपके पास यानी कि अगर मैं आर माइनस क्यू करूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा इेशनल नंबर इसको टी से डिनोट करते हैं तो आप वो डिनोट भी कर सकते हैं बाकी आर माइनस क्यू बराबर टी भी लिख सकते हैं टी मतलब इेशनल नंबर ये हो गया आपका कंप्लीट बिल्कुल ईजी सा है बेसिक है ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर टेन और क्वेश्चन नंबर इलेवन कंप्लीट नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व के साथ जब तक के लिए बाय बाय